साथियों, ये मैसेज उन लोगों के लिए जो अपने घरों में बैठे हुए हैं और सारा दिन व्हाट्सएप फेसबुक पे मैसेज शेयर करते हैं। आप दोस्तों से आग्रह है मेरा कि हम दिखा रहे हैं कि कितनी लाशें हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने डॉक्टरों ने कहाँ किसको धोखा दिया, कहीं किसी की ऑक्सीजन निकाल दी, कहीं किसी को ये हो गया, कहीं किसी को हो गया। क्या किसी डॉक्टर ने किसी को ठीक नहीं किया? क्या हमारे साथी वापस लौट के नहीं आए? क्या कोरोना से लोग ठीक नहीं हो रहे हैं क्या? साथियों, मेरे बहुत सारे दोस्त कोरोना की लड़ाई लड़ते हुए होके आ गए हैं, मुझे बड़ा आनंद है। और मैंने उनको फ़ोन करके पूछा भी कि आप लोग ठीक हो के आ गए। और ऐसे कई लोग जो बीमार हैं उनके लिए हमने दुआएं करी, प्रार्थना करी कि वो ठीक हो के आ जाएं। उनको फ़ोन किया, उनसे बात करी कि आप ठीक हो के आ जाओगे, चिंता मत करना, आपके घर में कोई परेशानी हो तो हम बैठे हुए हैं। आप चाहे किसी के लिए कुछ ना कर पाओ पर कम से कम उसको सांत्वना दे दिया कि भैया चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ और मैं तुम्हारे लिए ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना कर रहा हूँ। तो यकीन मानिए, उसको हिम्मत बनती है। और मेरा आज इस वीडियो के माध्यम से आग्रह है कि ऐसे वीडियो, ऐसे पोस्ट शेयर करिए जिसमें बताया गया हो कि कितने लोग ठीक हो के आए हैं। डॉक्टर्स जिन्होंने लोगों को ठीक किया है, पुलिस वाले, नगर निगम, नगर स्वास्थ्य समिति, हमारे पत्रकार मित्र जो दिन रात इस लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी बेईमान हैं, तो सभी अगर बेईमान नहीं हैं तो हम लोग नेगेटिव न्यूज़ क्यों चला रहे हैं? पॉजिटिव क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि भैया आज ये आदमी ठीक हो के आया, आज मेरे घर में ये औरत ठीक हो के आई है, आज ये पॉजिटिव चीज़ चल रही है, आज इसने मेरी मदद करी, आज सड़कों में जो गरीब है उसकी हमने मदद करी, किसी और ने मदद करी। अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे मैसेज वाले, अच्छे विचारों वाले, अच्छी सब्जियां बनाने वाले, अच्छे फलों वाले, किसी भी तरह के मैसेज आप शेयर करिए जिसको देख के जो नेगेटिव चीज़ हो रही है वो थोड़ा सा कम हो। वीडियो के अंत में फिर से मैं आग्रह करूँगा कि लोग मर रहे हैं, ये सच्चाई है, परंतु लाखों लोग ठीक होके आ रहे हैं, लाखों लोगों का अच्छा इलाज हो रहा है। ऑक्सीजन नहीं मिलने से लोगों की दिक्कतें आ रही हैं, पर ऑक्सीजन मिलने के बाद जो लोग हैं वो ठीक हो रहे हैं। शासन प्रशासन दिन रात लगा पड़ा हुआ है, हम अधिकारियों के साथ रहते हैं, बैठते हैं, उनकी नींदें उड़ी हुई हैं, आँखें उनके काले घेरे हो गए हैं। तो मेरा आग्रह ये है कि हम किसी पार्टी वार्टी से नहीं, मैं तो एक पत्रकार साथी हूँ और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप चाहें तो नेगेटिव चलाएं, आप चाहें तो पॉजिटिव चलाएं, पर अगर आप पॉजिटिव चले तो किसी का भला होगा। ये देखिए, क्या ये सब लगे हुए नहीं हैं? ये सब लगे हुए हैं हमें बचाने के लिए, ये सब लगे हुए हैं ताकि हम अपने घरों में सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, आपसे विनम्र आग्रह है कि जितना हो सके पॉजिटिव मैसेज शेयर करिए, क्योंकि डर के कारण लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। और मैं अभी जितने भी लोगों से मिला हूँ उनकी अधिकतर मृत्यु जो है वो डर के कारण हो गई है। तो आपसे फिर से आग्रह है कि अच्छे वीडियो, पॉजिटिव वीडियो, कितने लोग ठीक हो गए, कितने लोग कोरोना से लड़े, उन्होंने इस जंग को जीता। और आपके आसपास कोई अगर हो तो उसकी अपनी क्षमताओं में मदद जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत माता की।